the Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा आप सभी को माता रानी की नवमी की बहुत बहुत बधाई देती हूं और साथ ही साथ मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो चलिए आज दशहरे के इस मौके पर शुरुआत करते हैं ढेर सारी खबरों के साथ। आज के दिन यानी विजयदशमी के दिन नीलकंठ के दर्शन शुभ माने जाते हैं। जी हाँ, और आज ही के दिन अगर आप कचनार का वृक्ष लगाने का सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा विचार है। इसकी नियमित पूजा से परिवार में सुख शांति आती है। जी हाँ, विजयदशमी पर इसका पूजन का एक अलग ही महत्व है। आत्मविश्वास की कमी होने पर इसकी पत्तियों को हल्दी से रंगे, दूर्वा घास और सरसों को मिलाकर एक डोरा बना लें और उस डोरे को दाहिने हाथ में बांध लें तो इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और भी बाकी दशहरे को लेकर, विजयदशमी को लेकर बातें आपको बताऊंगी, बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। और एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रही हूँ जो है हमारे रक्षा मंत्रालय से। जी हाँ, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बार चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ दशहरा मना रहे हैं। जी हाँ, उनका मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सैनिकों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शस्त्र पूजन भी होगा। यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और सभी सैनिकों के साथ वो पूजा आरंभ करेंगे और यहां तक कि रणनीति पुलों का उद्घाटन और शुभ आरंभ भी करेंगे। ये देखने के लिए आप सब ज़रूर अपने न्यूज़ चैनल्स को खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से पूजन सफलतापूर्वक रहेगी। अब आपको बता दें कि जो भी बांके बिहारी के दर्शन के लिए बहुत महीनों से उत्सुक हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के बंद पट खोलने को लेकर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। सिविल जज द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि न्यायालय द्वारा 15 अक्टूबर को बांके बिहारी मंदिर के पट खोलने को लेकर राजी किया गया है। आदेश आज भी प्रभावी है, अतः नया आदेश जारी करने का औचित्य नहीं बनता है। इस आदेश के साथ ही संत और बाकी बिहारियों के भक्तों में हर्ष का माहौल है। बॉलीवुड में हाउसफुल और गोलमाल जैसी हिट फिल्मों में नजर आए अभिनेता रितेश देशमुख इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। एक्टर अपने फैंस के लिए वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हैं। रितेश देशमुख ने केदारनाथ मंदिर का एक बहुत ही मनमोहक वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस पर कई फिल्मी हस्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और फैंस को भी ये बहुत पसंद आ रहा है। दरअसल रितेश ने जिस वीडियो को शेयर किया है उसमें केदारनाथ मंदिर का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। वीडियो में केदारनाथ मंदिर के आसपास मनमोहक बादलों का नज़ारा दिखाई दे रहा है जिसके पीछे से बर्फ से ढका पहाड़ किसी का भी दिल जीत सकता है। तो आप उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान FATF के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। अगर उसे FATF की निगरानी सूची से बाहर निकलना है तो भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों जैसे दाऊद इब्राहिम, जकी उर रहमान लखवी, जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर और लश्कर सरगना हाफिज सईद और इनके सहयोगियों के समूचे अंतर्तंत्र को खत्म करना होगा और इसके सबूत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने रखने होंगे और बहुत ही और 6 महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देना होगा। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन समूचे विश्व के लिए ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है जो सामने रखा गया है और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आतंकियों को खात्मा करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। भारत को 45 साल के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है जो भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र को संचालक मंडल का चेयरमैन चुना गया है। वो अगले महीने नवंबर से संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता संभालेंगे। मंत्रालय के मुताबिक 3.5 दशक बाद भारत को ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता सौंपी गई है। श्रम सचिव चंद्र इस पद पर अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक रहेंगे। ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिलना अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है पूरे भारत के लिए। ये भारत और ILO के 100 साल से अधिक रिश्तों की कड़ी में मील का पत्थर साबित होगा। संचालक मंडल ILO का शीर्ष कार्यकारी न्यायिक है। ये नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडा, बजट और महानिर्देशकों का चुनाव करती है। ILO में काफी सारे सदस्य होते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
अब आपके लिए लेकर आई हूँ टेक्निकल खबरें और सबसे पहले आपको बताती हूँ रिलायंस जियो इस बार आपके लिए क्या लेकर आया है। दरअसल रिलायंस जियो ने अपने जियो फोन यूजर्स के लिए क्रिकेट से जुड़ा एक खास ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम जियो क्रिकेट रखा गया है। इस ऐप के जरिए यूजर्स को लाइव स्कोर, मैच अपडेट्स और क्रिकेट से संबंधित सारी खबरें मिलती रहेंगी। ये ऐप आपको आपके पसंदीदा खेल क्रिकेट से जोड़े रखेगा। जियो फोन में ये फीचर्स 9 भाषाओं में आपको पूरी जानकारी देगा, जिसमें बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलुगु भी शामिल हैं। और आप अपने फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और क्रिकेट की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब बात करते हैं फेसबुक की। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने कहा कि देश में अपनाए जा रहे डेटा सुरक्षा कानून में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक डिजिटल व्यापार को गति देने की क्षमता है। कंपनी का ये बयान डेटा सुरक्षा विधेयक 2019 पर संसद की संयुक्त समिति में सुनवाई के बाद आया है। जी हाँ, इस समिति की अध्यक्ष भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि निजी डेटा सुरक्षा विधेयक इस संयुक्त समिति के सदस्यों के साथ डेटा विनियम के मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलने में हमें गौरव महसूस होगा। हमें भरोसा है देश के डेटा सुरक्षा कानून में देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक डिजिटल व्यापार को गति देने की क्षमता भरपूर है। अगर आप अपने ट्विटर हैंडल से जैसे ही किसी मैसेज या टेक्स्ट को रीट्वीट करने का ऑप्शन टैप करेंगे, एक नया पॉपअप सामने आ जाएगा जिसमें लिखा है हेडलाइंस डोंट टेल द फुल स्टोरी। ट्विटर चाहता है कि आप किसी भी कमेंट या टेक्स्ट को रीट्वीट करने से पहले उसे अच्छी तरह देखभाल लें। कहीं आप किसी झूठी अफवाह में तो नहीं फंसे हुए, कहीं आप कोई जानकारी झूठी तो नहीं फैला रहे। ट्विटर का कहना है कि इस तरह यूजर्स को एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आप भी देखभाल कर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। कहीं आप किसी झूठी अफवाह में किसी का साथ तो नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ी जानकारी है, इसीलिए हेडलाइंस डोंट टेल द फुल स्टोरी का एक पॉपअप आपके सामने ट्विटर ने रखा है। भारतीय मनोरंजन और मीडिया उद्योग 2024 तक सालाना 10.1% की दर से बढ़ सकता है। जी हाँ, प्राइवेट हाउस कूपर्स द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उद्योग 2024 तक $55 अरब तक हो जाएगा। उम्मीद है कि भारत में OTT वीडियो में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी और 2024 तक इससे 5.2% तक पहुंचा जा सकता है। इंटरनेट में भारी वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत एडमिशन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। जी हाँ, और ये भी कहा है कि विश्व स्तर पर डिजिटल राजस्व का 2020 तक कुल मनोरंजन और मीडिया राजस्व में 60% का योगदान केवल भारत का ही रहेगा। कई बार आपको देखने को मिलता होगा कि जब भी आप WhatsApp यूज़ करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको कई तरीके से परेशानी भी देते हैं, लेकिन अब WhatsApp का नया फीचर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि WhatsApp की तरफ से ऑलवेज म्यूट फीचर को रोल आउट कर दिया गया है। जी हाँ, WhatsApp अब तक म्यूट देने के लिए 8 hours, 1 week और 1 year ही ऑप्शन आपको देता था, लेकिन अब कंपनी 1 year ऑप्शन की जगह ऑलवेज म्यूट फीचर को भी आपके सामने रखेगी। इसमें अब WhatsApp यूजर्स को हर साल ग्रुप को म्यूट नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी ग्रुप या फिर यूजर को हमेशा के लिए म्यूट कर पाएंगे। कंपनी ने ट्विटर फीड के जरिए इसकी जानकारी उपलब्ध कराई है। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। आप हमारी पूरी वीडियो को देखने के बाद लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप हमारे चैनल का लिंक शेयर भी कर सकते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए डॉन एक्सप्रेस के साथ। लेकिन फिलहाल की खबरों के लिए हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। से आभार, डेली हंट डेली हो। नमस्कार।